हेलो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका स्वागत करता हूं क्लास 12 फिजिक्स की न्यूमेरिकल सीरीज में। और आप जानते हैं आजकल हम कर रहे हैं एक फेमस बुक जिसके राइटर है कुमार मित्तल, इस बुक की एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को। खास बात क्या है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलेंगे। एक एक चैप्टर में 70-70 क्वेश्चन है, और जो एनसीईआरटी की बुक है उसके चैप्टर्स को भी बाय पार्ट्स इसमें डिवाइड करा गया है। तो एक एक चैप्टर में आपको 100-150 इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे हैं। यदि आप ये बुक अच्छे से इसकी न्यूमेरिकल तैयार कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है बोर्ड एग्जाम में कोई सिंगल प्रश्न भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपने करावाना हो। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा चल रहा है इस समय चैप्टर नंबर 7 गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, और यह हमारा एनसीईआरटी की बुक के चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व से रिलेटेड है, ये वही वाला चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में करा था हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ गया है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, कहते हैं एक लंबे क्षैतिज तथा जकड़े तार में, जकड़े मतलब फिक्स तार, जकड़े तार में 100 एम्पियर की धारा बह रही है। इससे ठीक ऊपर तथा समानांतर एक महीन तार है जिसमें कि 200 एम्पियर की धारा बह रही है, जिसका एकांक लंबाई का भार 0.5 न्यूटन प्रति मीटर है। तो महीन तार को निचले तार से कितना ऊपर रखा जाए ताकि वह चुंबकीय प्रतिकर्षण के कारण टिका रहे। अब बात समझना, एक इन्होंने यहां पर मोटा सा तार बना दिया है, ऐसे करके एक मोटा सा तार है, ये एक तार है, इसमें कितनी धारा बह रही है, 100 एम्पियर की धारा बह रही है। तो मान लेते हैं इस दिशा में आई बराबर कितनी है, 100 एम्पियर की धारा बह रही है। ध्यान देना, इससे ठीक ऊपर एक दूसरा तार है, तो एक दूसरा तार इन्होंने इससे ठीक ऊपर रखा हुआ है जो कि महीन है, महीन मतलब पतला तार है, और उस तार में कितनी धारा बह रही है जिसमें 200 एम्पियर की धारा बह रही है। तो इस वाले तार में 200 एम्पियर की धारा बह रही है। 200 एम्पियर की धारा किस दिशा में बहेगी, आपको जानते हैं समान दिशा में बहेगी तो आकर्षण बल, विपरीत में बहेगी तो प्रतिकर्षण बल, यानी कि धारा की दिशा ये वाली होगी इधर की ओर। एक बार मैं वैल्यू चेक कर लेता हूं कि वास्तव में 200 एम्पियर है या कहीं कम ज्यादा तो नहीं है बेटा, एक बार ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आ गया, बिल्कुल सही है, 200 एम्पियर ही है। तो यह दूसरी धारा आ गई आई, वो कितनी है, 200 एम्पियर है, ऐसे है। अब प्रतिकर्षण बल लटके, प्रतिकर्षण बल लगेगा दोनों तारों के बीच में, तो यह वाला तार इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो यही ये कह रहे हैं ये हवा में टिका रहे। और इसकी प्रति एकांक लंबाई का जो द्रव्यमान है वो कितना दे दिया आपको, F अपॉन L का मान दे दिया, यही तो दिया है, समांतर जिसमें एकांक लंबाई का भार 0.05 न्यूटन प्रति मीटर है, कितना है, 0.05 न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। और F बराबर आप W अपॉन L भी लिख सकते हैं इसको, इसी बात को क्या लिख सकते हैं, W अपॉन L भार बल लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब हमें यह याद करना है कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, यानी कि बीच की दूरी की R हमें ज्ञात करनी है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, आपने एम्पियर वाला डेरिवेशन इस चैप्टर में करा होगा, और आप जानते हैं किसी तार की, यदि दो तार एक दूसरे के समांतर हो जिनमें धारा प्रवाहित हो रही हो, तो तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल होता है F अपॉन L, वो होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, साथ में आता है I1 I2 बटे क्या आ जाता है R। आप इनमें से एक धारा को I1 ले लीजिए, एक धारा को क्या ले लेंगे, I2 ले लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, R का मान आपको निकालना है। तो R मुझे निकालना है, तो R को इधर ले गया, R बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, हो गया I1 I2, R इधर आ गया, यहां पर आ गया आपका F अपॉन L। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, R बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान आप जानते हैं, चूंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर होता है 10^-7, तो ये 2 पाई है, 2 के नीचे 2 के ऊपर गुणा कर देंगे तो नीचे आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर आ गया 2, तो ये आ जाएगा 2×10^-7, ऐसा आ गया। मुझे लगता है ये तो आसान है, आप कर लेते होंगे ना। देखिए ये था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, क्या करिए 2 के ऊपर गुणा और 2 के नीचे, तो क्या आ जाएगा 2×μ0/4π। μ0/4π का मान 10^-7, तो 2 ऐसे का ऐसे 10^-7, ऐसे करना है इसे। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, इसे मिटा देते हैं। तो ये हमने रख दिया इसका मान।
आई वन आई टू के मान कितने दिए हैं हमें, आई वन का मान दिया है 100 और आई टू का मान दिया है 200 एम्पियर, तो ये आ जाएगा 100 × 200, ये हो गया आई वन आई टू बटे एफ अपॉन एल, और एफ अपॉन एल का मान है 0.05, 0.05, दशमलव लगाया साथ में कितना आ जाएगा, 2 दशमलव के बाद 2 स्थान है तो 100 आ जाएगा। तो बस आपने अब इसको सॉल्व कर लेना है, 5 से काट देंगे, 5 से काट देते हैं इसे, इसको कर दे 5 × 20 कितना आ गया 40, 40 की 2 में गुणा करेंगे, 40 दूनी कितना आ जाएगा 80 × 10⁻¹⁷, ये 100 और 100 तो कितना हो गया 10⁴, 80 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 × 10⁻¹, ये था, और साथ में 1 घात प्लस की बढ़ा दूंगा, 10⁵ कितनी हो जाएगी 5, देखिए 10 से 10⁻ वाली 1 घात बढ़ जाएगी तो 5 हो गई, तो क्या आ गया 8 × 10⁻¹⁵, तो क्या हो गया 8 × 10⁻², 10⁻², ये हमारा किस में है, मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए, 8 × 10⁻², और 1 मीटर में होते 100 सेंटीमीटर, 100 × 10⁻², तो ये दोनों 0 हो जाएंगे और क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए यहां हमने बोला तो सेंटीमीटर था, लिख मीटर दिया, क्योंकि 1 मीटर में 10⁻², यानी कि 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इस मीटर को 10⁻²² सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हैं, ये -2 है, ये +2 है, घात कितनी होगी -2 + 2 यानी कि 0, किसी की भी घात 0 होती है तो मान होता है 1, तो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, और ये हमारे क्या हो गया आर का मान आ गया। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर, और धारा कैसे बहेगी विपरीत दिशा में, यदि नहीं पूछा है तो भी आपको पता होना चाहिए, धाराएं विपरीत होंगी तभी इनमें प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1, 2, 3, 4, नेक्स्ट अगला देखते हैं। दो अनंत लंबाई लंबे विद्युत रोधी तार परस्पर लंबवत रखे गए हैं, ऐसे करके इन्होंने दिखाया है, एक में आई 2 एम्पियर की धारा बह रही है और दूसरे में आई 2 1.5 एम्पियर की है, तो चलिए क्या कहा इसने, आई 1 = 2 एम्पियर और आई 2 = कितना दे दिया 1.5 एम्पियर, ये दिया है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा तीव्रता ज्ञात कीजिए, एक तार में धारा की दिशा उलट दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब ध्यान दीजिए, पहली यदि हमने ये आई 1 तार लिया है तो इसमें धारा आई 1 है तो इसकी दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर, यानी कि आई 1 है तो आर 1 = क्या गया 4 सेंटीमीटर, और इसी को लिख सकते हैं 4 × 10⁻²⁪ मीटर, पहला काम ये आ गया। आई 2 ये दी है तो आर 2 = क्या हो जाएगा, आई 2 ये है, आर 2 का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 10⁻²⁪ मीटर, ये आ गया। अब इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो किसी धारावाही चालक से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है μ0/2πI/R, ये होता है, तो बस इसी को लगाएंगे। हम लिखते हैं I1 धारा के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, और उसको मान लेते हैं मैं B1 से प्रदर्शित करता हूं, तो B1 = आ जाएगा μ0/2πI/I1 क्या आ जाएगा R1, वैल्यू पुट करें, इसका मान अभी सिखाया था मैंने 2 × 10⁻¹⁷ होगा, 2 के नीचे गुणा 2 के ऊपर गुणा, तो μ0/4π हो जाएगा नीचे तो 10⁻¹⁷ और ऊपर का 2 ऐसे आ जाएगा गुणा I1 का मान कितना आ गया, I1 का मान है 2 एम्पियर तो ये आ गया 2, R1 का मान कितना है 4 × 10⁻²⁪ तो ये हो गया 2 × 4 कट गया, 10⁻²⁶ ऊपर चले गया तो 10⁻²⁷ × 10⁻²⁪ तो क्या आ जाएगा हमारा B1 = आ जाएगा, ये देखिए -2 ऊपर जाकर के +2 हो जाएगा, +2 तो क्या हो जाएगा 10⁻²⁷ + 2 यानी कि B1 = हो गया 10⁻⁵ न्यूटन। मेन बात इसकी दिशा क्या होगी, राइट हैंड थंब लॉ से लेंगे तो ये धारावाही चालक है तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र भीतर जाएगा तो दिशा P के लंबवत भीतर की ओर होगी, तो दिशा क्या होगी, दिशा P के लंबवत भीतर की ओर, भीतर की ओर ये दिशा हो गई। तो चलिए B1 का मान निकाल लिया, ऐसे B2 का मान निकाल लेते हैं, दूसरे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं,
तो लिखते हैं आई टू धारा के कारण, आई टू धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा बी टू, फार्मूला वही म्यू नॉट अपॉन टू पाई, साथ में हो जाएगा आई टू अपॉन आर टू, म्यू नॉट अपॉन टू पाई का मान 2 × 10⁻⁷ गुणा आई टू का मान कितना दे दिया है 1.5, और आर टू का मान कितना दिया है 3 × 10⁻², तो यह गया 3 × 10⁻²। तो अब देखिए ये 1.5 का 3 में भाग देंगे तो 2 बार कटेगा और 2 से ये 2 कट गया, तो फिर से आ गया 10⁻⁷ × 10⁻², तो ये आ गया 10⁻⁷ + 2, तो कितना आ गया 10⁻⁵, और ये निकलेगा टेस्ला में। ये देखिए हमने यहाँ पर गड़बड़ लिख दिया, मात्रक, मात्रक क्या आएगा टेस्ला आएगा, यहाँ भी टेस्ला क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है, फोर्स तो है नहीं, ये भी क्या आ जाएगा टेस्ला। तो ये B1 B2 दोनों के मान निकाल लिए, तो P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा। अब इसकी दिशा भी क्या होगी, देखिए ये धारावाही चालक है तो राइट हैंड थंब लॉ लगाएं, यदि ये धारा की दिशा है तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र फिर भीतर जाएगा और यहां से बाहर की तरफ आएगा, यानी कि दोनों ही स्थितियों में B1 भी हमारा भीतर की ओर होगा और B2 भी हमारा यहां पर क्या होगा भीतर की ओर ही होगा, लंबवत अंदर की ओर जाएगा। तो लिखेंगे P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर B1 + B2, B1 का मान कितना है 10⁻⁵, B2 का मान भी 10⁻⁵, तो क्या आ जाएगा 1 × 2 × 10⁵ टेस्ला, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 2 × 10⁵ टेस्ला। और दिशा क्या हो जाएगी, बी की दिशा लिखेंगे पी पर लंबवत भीतर की ओर, भीतर या अंदर की ओर, भीतर की ओर, ये हमारी क्या होगी बी की दिशा होगी। अब इसके सेकंड पार्ट पे ध्यान दिया जाए, इस वाले पार्ट में यदि एक तार के में धारा की दिशा उलट दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इंपॉर्टेंट भाग है ध्यान रखना। सेकंड भाग को यदि समझे, हम कहते हैं मान लेते हैं हमने I2 या I1 किसी की भी धारा पलट दी, मान लेते हैं माना I1 धारा को पलट दिया जाए, यदि I1 धारा को पलटेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं बदलेगा, उसके कारण ये I1 धारा ऊपर जा रही थी, मैंने इसको क्या कर दिया नीचे की ओर कर दिया इधर की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र तो वही रहेगा, B1 का मान तो वही रहेगा जो पहले था 10⁻⁵ टेस्ला, लेकिन अब दिशा बदल जाएगी। देखिए यदि धारा नीचे जा रही है तो राइट हैंड थंब लॉ ऐसे लगाएंगे, ये हमने अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, यहां से चुंबकीय क्षेत्र अंदर जाएगा और यहां से क्या होगा बाहर आएगा, तो दूसरी स्थिति में यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा B1 उसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमने क्रॉस बना दिया, यहां पर क्रॉस नहीं आएगा, दूसरे में क्या आ जाएगा ये डॉट बनेगा, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र डॉट बनेगा, और डॉट का मतलब क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र भीतर से बाहर की तरफ आएगा, कहां पर बिंदु P पर। तो B1 का मान आ गया, लिखेंगे पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, जबकि आपको पता है B2 क्या है पृष्ठ के लंबवत भीतर की ओर है, तो लिखेंगे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अब P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या आ जाएगा B = B1 + B2। देखिए B1 का मान अब क्योंकि दोनों सदिश हैं, B2 तो क्या है लंबवत भीतर की ओर है और B1 क्या है लंबवत बाहर की ओर, भाई धारा एक तार में धारा पलटने से और कुछ परिवर्तित नहीं होगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलेगी, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण नहीं बदलेगा, उसकी मात्रा नहीं बदलेगी। तो एक में क्या हो गया B1 अब बाहर की तरफ आ गया, B2 क्या है चुंबकीय क्षेत्र भीतर की तरफ, तो परिणामी क्या आ जाएगा B1 + B2 के बराबर होगा, B1 का मान होगा −10⁻⁵ टेस्ला और B2 का मान +10⁻⁵ टेस्ला, ये माइनस का ये प्लस का है, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा B। अब P पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र काम नहीं करेगा, इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है आसान था, बशर्ते आप इस बात पे फोकस जरूर करना कि यदि धारा की दिशा पलट दी जाए तो परिमाण वही रहेगा लेकिन
दिशा बदल जाएगी। तो चलिए इसका चाहे तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3 4 नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक लंबे तार में 10 एम्पियर की धारा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। तो चलिए बना देते हैं तार में उत्तर से दक्षिण की ओर, क्योंकि आप जानते हैं ये वाली दिशा क्या है उत्तर, ये वाली दिशा क्या है दक्षिण। ऐसे धारा में दिशा प्रवाहित हो रही है उत्तर से दक्षिण की तरफ, धारा का मान कितना है 10 एम्पियर। तो चलिए यहाँ पर साथ में सॉल्यूशन भी लिखते जाते हैं, आई बराबर कितना है 10 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेंटीमीटर दूर दाईं ओर एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर की ओर चल रहा है। तो तार से 10 सेंटीमीटर की दूर पर एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर की ओर, तो ये हमने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर और ये दक्षिण से उत्तर की ओर ऐसे गति कर रहा है, वी वेग से मान लो चल रहा है। ठीक है, अब हम इनके बीच की डिस्टेंस और शो कर देते हैं। ये दूरी कितनी दे दी इसने, दूरी इसने दे दी दाई और तार 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की दूरी है और वेग कितना है 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए इसने आर का मान दे दिया 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसको लिख सकते हैं 0.1 मीटर, ये आर हो गया। और वी का मान कितना दे दिया, वी का मान दे दिया 2 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड। इतने चाल से ये चल रहा है, वी वेग से गति कर रहा है। प्रक्षेपित किया जाता है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। अब इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल कैसे लगेगा, क्योंकि यह धारावाही चालक है तो यह अपने निकट एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी पहले यह समझना। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम ऐसे बता सकते हैं, ये धारा नीचे की ओर बह रही है, आई धारा यदि नीचे बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र राइट हैंड थंब लॉ, धारा की दिशा नीचे, यहां से चुंबकीय क्षेत्र भीतर जाएगा, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र भीतर जाएगा और यहां से चुंबकीय क्षेत्र बाहर आएगा, यहां डॉट लगेगा। तो ये बाहर की ओर ऐसे आ रहा है और कण ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा थीटा होगा, यानी कि लिखेंगे बी तथा वी के बीच कोण थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले इस बिंदु पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखते हैं तार के समीप, तार से 20 सेंटीमीटर पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सूत्र आप जानते हो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और साथ में होता है आई अपॉन आर। वैल्यू पुट कर दें, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान 2 × 10^7 I का मान कितना हो गया 10 एम्पियर बटे R का मान कितना आ गया 0.1 मीटर, 0.1 लगाया यहां पर 0 बढ़ा दी तो कितना आ जाएगा 2 × 10^-7, ये होगी 10^2 प्लस की तो लिखेंगे +2 तो कितना आ गया 2 × 10^-5 टेस्ला। ये चुंबकीय क्षेत्र का हमारे पास मान आ गया जो यहां पर लगेगा। अब यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, तो लिखते हैं इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। सूत्र आप जानते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी बी, साथ में क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा सूत्र, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर होगा। हमारा क्या आ गया F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इसके बराबर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, Q का मतलब क्या है, देखिए Q है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश और इसका मान है 1.6 × 10^-19 कूलाम। ये हम जानते हैं कि ये क्या सा होता है, ऋण आवेशित होता है, लेकिन ऐसे कोई लिखने की आवश्यकता नहीं, ये उसकी प्रवृत्ति है। दूसरा V हम जानते हैं, V का मान कितना है 2 मीटर प्रति सेकेंड और B का मान हमने कैलकुलेट रख दिया, तो अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो रखे मान क्या आ जाएगा, F बराबर Q का मान कितना आ गया 1.6 × 10^-19 गुणा V का मान कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये आ गया × 2 × B का मान कितना आ गया 2 × 10^-5
गुणा क्या जाएगा साइन, और मैंने कहा था थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है बोर्ड से बाहर की ओर निकल रहा है आपकी तरफ, और जबकि वी का मान क्या है इस बोर्ड के तल पर नीचे से ऊपर की ओर, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो क्या आ जाएगा साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो बाकी कैलकुलेट कर लेते हैं 2 × 2 = 4, तो 16 × 64, तो ये हो गया 6.4 गुणा 10^19 और 10^5 -5, 10^5 तो -19 और -5 गुणा साइन 90 का मान हो गया 1, तो क्या आ जाएगा 6.4 गुणा 10^9 माइनस ये जाएगा 19 और 5 कितने हो गए ये हो गया 24, और ये इतने न्यूटन का बल लगेगा, लगने वाले बल का मान इतना होगा, और किधर की ओर लगेगा ये भी आप निकाल सकते हो, कैसे लगेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब एक बात ध्यान देना, यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ चल रहा है तो आवेश के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा के विपरीत होती है, आपको पता है, तो धारा की दिशा कहां होगी नीचे की ओर, तो ध्यान रखना जो धारा है आई की जो दिशा है वो क्या है नीचे की तरफ, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, तो हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित कर रहा है जो कि बोर्ड के लंबवत ऐसे आपकी तरफ आ रही है, दूसरा तार ये वाला है जो कि क्या है धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है जो कि नीचे की ओर है, तो हमने इसको ऐसे घुमा दिया, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, ये धारा की दिशा हो गई नीचे, तो अंगूठा इधर की ओर लग रहा है, यानी कि लगने वाले इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा इधर की ओर लगेगी, लगने वाले बल की दिशा ये होगी, यानी कि बल तार की ओर लगेगा ये हम कह सकते हैं, तो बल का मान क्या आ जाएगा लिखते हैं बल की दिशा, दिशा क्या आ जाएगी तार की ओर, तार की ओर, इस प्रकार से क्या लगेगा इसमें बल लगेगा। तो चलिए ये वाला प्रश्न हो गया है हमारा, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, एक सीधे लंबे तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10^-6 टेस्ला है, तार में विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो क्या दे दिया उन्होंने, एक सीधा लंबा तार दे दिया, इस तरीके से एक सीधा लंबा तार दे दिया हमारे को, और लंबे तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि तार से यहां तक की एक बिंदु ले लेते हैं पी बिंदु, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें दे दी, यानी कि सॉल्यूशन करें तो हमारे पास आ गया बी का मान कितना आ गया 10^-6 टेस्ला, तो यह आ गया 10^-6 टेस्ला, साथ ही दूरी कितनी दे दी आर, ये दे दी 2 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 10^-2 मीटर, तो आर का मान भी हमें पता चल गया। तो कहते हैं तार में विद्युत धारा ज्ञात कीजिए, तो ये जो धारा बह रही होगी ऊपर जाए चाहे नीचे जाए इससे फर्क नहीं पड़ता, इसका मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि आई का मान हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, फार्मूला हम जानते हैं, ऐसी स्थिति में सीधे अनंत लंबाई के धारावाही चालक से कुछ दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, वो हमारा निकल के आएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2π, और साथ में आ जाएगा आई अपॉन आर। हमें क्या निकालना है, धारा का मान निकालना है, तो वैल्यू चलिए पहले पुट कर लेते हैं, B का मान 10^-6, तो 10^-6 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2π का मान कितना हो जाएगा आप जानते हैं, ये होगा 2 × 10^-7 गुणा आई का मान आई रहेगा, और आर का मान आपको पता चल गया 2 × 10^-2, तो यह आ जाएगा 2 × 10^-2। तो बस जो चीजें कट रही है उसे काट दीजिए, देखिए 2 से ये 2 कट गया, तो ये है 10^-6 इधर की ओर, 10^-7 ये 2 ऊपर आकर के प्लस का हो जाएगा, तो 10^+2 गुणा क्या आ जाएगा आई, तो ये होगी 10^-6 बराबर 10^-7 + 2 गुणा क्या आ गया आई, तो 10^-6 बराबर 10^-5 और साथ में आ गया गुणा आई, तो I का मान क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू ये होगी 10^-6 बटे नीचे क्या आ गया 10^-5, ये आ गया 10^-5, ये ऊपर जाकर के प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा I इज इक्वल टू 10^-6 + 5, तो I बराबर होगी 10^-1, और इसी को हम लिख सकते हैं 0.1, और साथ में आ गया एम्पियर, तो जो धारा का मान होगा वो 0.1 एम्पियर होगा, और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं
धारा के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए आसान है, इसमें धारा की दिशा की बात नहीं है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण दे रखा। यदि आपसे ये कहता चुंबकीय क्षेत्र भीतर है या बाहर है तब आप धारा का मान मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान यदि दिया होता उसकी दिशा तो आप धारा की दिशा भी ज्ञात कर सकते थे। तो फिलहाल इसमें केवल परिमाण पूछा है धारा का, तो ये हमने ज्ञात कर लिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे 1, 2, 3 एंड 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। एक लंबा व सीधा तार ऊर्ध्वाधर तल में लटक रहा है। तो हमने एक लंबा सीधा तार ले लिया और ये ऊर्ध्वाधर तल में ऐसे लटक रहा है, मान लेते हैं लटक रहा है। तार में 5 एम्पीयर की धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है, तो तार में धारा कितनी बह रही है, ये बह रही है कितने 5 एम्पीयर की धारा। तो आई बराबर कितना गया 5 एम्पीयर की धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। तार के किसी बिंदु के क्षैतिज तल में तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चुंबकीय क्षेत्र बी के मान तथा दिशाएं ज्ञात कीजिए। देखिए इसके कहने का अर्थ है ये चुंबकीय क्षेत्र है, सॉरी ये कोई तार है, इसमें धारा नीचे से ऊपर जा रही है ऊर्ध्वाधर तल में। तो तार के किसी क्षैतिज तल में, ये हमने एक क्षैतिज तल बनाया, पृष्ठ बनाया, यानी कि इस तार का यदि मैं एक ऐसे अपना हाथ, मेरा ये एक पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, यहां पे मैं तार को रख दूं तो ये जो एक पूरा का पूरा कहलाएगा ये क्षैतिज तल कहलाएगा। अब इस तार की ये दिशाएं भी होंगी, ये पूरब होगी, ये पश्चिम होगी, ये वाली उत्तर होगी और ये दक्षिण होगी, ध्यान देना। तो इसकी दिशाएं यदि मैं लिखना चाहूं तो दिशाएं कैसे लिखी जाएगी, मोटा मोटा मैं यहां लिख लेता हूं। देखिए ये दिशा क्या हो जाएगी, पूर्व, तो इधर की ओर क्या बनेगा, पश्चिम, ऐसी ऊपर की ओर क्या बन जाएगा, लेकिन ये एक ही तल है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर की ओर क्या बन जाएगा, उत्तर, और नीचे की ओर क्या बन जाएगा, दक्षिण, ये है। और दूरियां सबके समान दे दी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे दी 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई, आर बराबर 2 सेंटीमीटर, ये हमें दे दी। तो पहले चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है फिर दिशाएं बतानी है, तो चलिए निकालते हैं। हमें दे दिया आई का मान कितना दे दिया है, आई का मान दे दिया 5 एम्पियर, आर का मान कितना दे दिया, आर का मान दे दिया 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 2×10^-2 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं आर का मान। अब चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है तो धारावाही चालक से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है B=μ0/2π से, ये होता है I/R, वैल्यू पुट करेंगे B=μ0/2π का मान 2×10^-7, आई का मान कितना हो गया 5 और आर का मान कितना हो गया 2×10^-2, 2×10^-2, 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा 5×10^-7 और ये -2 ऊपर जाकर के +2 हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो बी बराबर क्या आ गया 5×10^-5 और क्या आ गया टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान हमारे को क्या हो गया, पता चल गया कि आखिर चुंबकीय क्षेत्र कितना है। तो इन सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा क्योंकि दोनों ये चारों के चारों बिंदु तार से चारों तरफ है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में, लेकिन दूरियां सबकी समान है तो सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान तो होगा समान। अब दिशाएं ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे होंगे यदि ये हमारे पास क्या है, धारावाही चालक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा। आप चाहें तो ऊपर से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा। तो यानी कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा, मैं आपको दिशाएं बता देता हूं, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा, यहां पर इस दिशा में होगा और यहां पर इस दिशा में होगा। तो चलिए अब दिशाएं जो इसने पूछी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर पूछा है, उत्तर की बात करें तो उत्तर दिशा में चुंबकीय क्षेत्र कहां जा रहा है, पश्चिम की ओर। तो सबसे पहले उत्तर में कहां जाएगा, यहां से इधर जा रहा है। और आप जानते हैं भाई दिशाएं तो आपको पता ही होगी ना, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये वाला होता है दक्षिण। तो ये उत्तर है, इस दिशा में जा रहा है तो उत्तर वाले बिंदु पर दिशा क्या होगी, पश्चिम। दूसरे में है दक्षिण, दक्षिण यानी कि नीचे वाला ये वाला बिंदु, इस पर दिशा क्या है, इधर की ओर है, तो ये इधर की ओर क्या है, पूर्व। तो दक्षिण बिंदु पर दिशा क्या है, पूर्व की ओर। फिर उत्तर दक्षिण, फिर पूर्व की तरफ क्या है, पूर्व में देखें, ये पूर्व बिंदु है, पूर्व पर
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? ऊपर की तरफ, यानी कि उत्तर की तरफ, उत्तर की। और लास्ट में क्या रह गया? तथा पश्चिम। तो पश्चिम में देखें, आप देख सकते हैं पश्चिम में दिशा क्या है? नीचे की तरफ, यानी कि दक्षिण की ओर। ये क्या है? दक्षिण की। ये किसकी दिशाएं हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं हैं, ये ध्यान रखना। जो हमने ये चुंबकीय क्षेत्र निकाला है उसकी दिशा ये, यानी कि ऐसे है, इसके चारों तरफ क्षैतिज तल पे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा, तो सबकी दिशाएं आपको स्पष्ट होगी। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, 1, 2, 3 और 4। चलिए अगला प्रश्न और देखते हैं। संलग्न चित्र में दो बहुत बड़े और सीधे समांतर तार ए व बी, जिनके बीच की दूरी इतनी इन्होंने दी है, 1.010 मीटर दी है। ए में 5 एम्पियर की धारा तथा बी में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। साफ दिख रहा है ए में 5 एम्पियर, बी में 15 एम्पियर। बिंदु पी तथा क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र के मान तथा दिशा की गणना कीजिए। तो पहला भाग हम इसको करेंगे सॉल्व। तो कैसे करते हैं देखिए, पी बिंदु के लिए लेते हैं, पी बिंदु के लिए सॉल्यूशन लेते हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं पी बिंदु, पी बिंदु के लिए। देखिए इस पी पर इस ए तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, मान लेते हैं वो बी ए है, तो बी ए बराबर क्या आ जाएगा? बी ए बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, साथ में आ जाएगा आई ए अपॉन क्या आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी को मैं मान लेता हूं कितनी है, आर वन। ये दूरी मैंने कितनी मान ली, आर वन, तो बटे दूरी क्या आ जाएगी, आर वन। वैल्यू पुट कर लें तो क्या आ जाएगा, बी ए, चलिए इतना ही रहने देते हैं अभी, इसको इतना ही रहने देते हैं। और ऐसी इस बी तार के कारण जिसमें धारा 15 एम्पियर के ऊपर जा रही है, उस तार के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा उसको भी निकाल लेते हैं, वो होगा बी बी, ये बी तार के कारण है, सूत्र वही म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, आई की जगह क्या आ जाएगा, आई बी, बी तार में बहने वाली धारा, और दूरी ले लेते हैं आर टू। तो यहां से यहां तक की दूरी मैंने कितनी ले ली, आर टू ले ली, ऐसे ले ली आर टू। आर वन का मान भी 0.5, आर टू का मान भी 0.5 है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? अब इसमें दिशाओं का खेल है, ध्यान रखिए। यदि इसमें धारा ऊपर जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत भीतर की ओर होगा, यह क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत भीतर की ओर, भीतर की ओर, क्लियर हो गया। और इस वाले तार में यह यदि धारा जा रही है, यानी कि इसकी बात करूं इस वाले तार की, तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे बना सकता हूं, यह मैंने तार ये ले लिया, इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र यहां पर है, यहां पर क्या होगा, बनेगा क्रॉस, और यहां पर क्या बनेगा, डॉट। यहां से क्या है, ऐसे अंदर जाएगा, यहां से बाहर आएगा पहले तार के लिए, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या आ जाएगा, बी वन का मान अंदर की ओर आएगा। अब दूसरे तार की बात को समझिए, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र इससे प्रदर्शित करते हैं, यह दूसरा तार है, दूसरे तार के लिए फिर राइट हैंड थंब लो, धारा ऊपर जा रही है, यहां से चुंबकीय क्षेत्र भीतर जाएगा और यहां से चुंबकीय क्षेत्र बाहर आएगा, यानी कि यहां पर आ गया डॉट, ये क्या है, ये है बी टू। तो इस पी बिंदु पर बी वन भीतर की तरफ है और बी टू बाहर की तरफ है, तो बी टू क्या है, बाहर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र शक्तिशाली होगा, जिसमें धारा ज्यादा बह रही है 15 एम्पियर की, उसका मान ज्यादा होगा। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू बी बी माइनस किसके बराबर होगा, बी ए के बराबर होगा, बी बी का मान म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, क्या गया, आई बी अपॉन आर टू माइनस, ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, क्या गया, आई ए अपॉन आर वन, ये आ गया। अब वैल्यू पुट कीजिए, दोनों पहले म्यू नॉट अपॉन 2 पाई दोनों में कॉमन है, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा, आई बी अपॉन आर टू, आई बी अपॉन आर टू माइनस आई ए अपॉन आर वन। वैल्यू पुट कीजिए तो आ गया 2×10⁻⁷, तो बाहर का मान आ गया। आई बी का मान, बी में बहने वाली धारा कितनी है, 15 एम्पियर की, 15 बटे। आर टू का मान कितना दिया, आर टू का मान 0.05,
तो क्या गया 0.05 माइनस आई ए का मान कितना है 5 एम्पियर, तो यह आ गया 5/5। आई वन का मान भी कितना है 0.05 एम्पियर, यह आ गया। दोनों में फिर से कॉमन क्या है 0.05 कॉमन है, बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया 2 × 10^-7 0.05 आ गया। अंदर कितना आ गया 15 - 5, 15 में से 5 गया, हो गया 10, तो आ गया 2 × 10^-7 × 10/ कितना आ गया 0.05। दशमलव हटाया, पीछे क्या आ जाएगा, दो स्थान है तो 2 0 यहाँ लग जाएगी, 100 आ जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 × 2 = 10, तो 2 × 2 = कितना आ गया 4 × 10^-7, तो ये है, और 100 का मतलब 10^2, तो क्या आ गया 4 × 10^-5 टेस्ला हमारे पास मान आ गया। ये किसका मान आ गया, चुंबकीय क्षेत्र बी का मान आ गया। तो पहला मान हमारे पास कितना आ गया 4 × 10^-5 टेस्ला या न्यूटन प्रति मीटर। अब मैंने कहा था बी कहाँ है, भीतर की तरफ है, बी2 का मान ज्यादा था, तो इसलिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इसकी दिशा होगी पृष्ठ के लंबवत भीतर की ओर, क्या आ जाएगी पृष्ठ के लंबवत भीतर की ओर, भीतर की ओर, ये हमने ज्ञात कर ली। तो P पर ज्ञात कर लिया, अभी Q पर हमने और ज्ञात करना है, तो चलिए Q पर ज्ञात करते हैं। थोड़ा सा आप इसको नोट कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा एक काम करता हूं, लाइट चली गई है तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा बेटा लाइटिंग में। चलिए तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा, जैसे हमने P पर निकाला ऐसे Q पर भी निकालेंगे, Q बिंदु ये वाला। अब Q के लिए डाटा हमारे नए बनेंगे, Q के लिए जो R1 R2 हम दूरियां ले रहे थे वो बदल जाएंगे, यहां से यहां तक की दूरी है 0.15, तो अब Q की बात यदि हम कहेंगे तो कलर हम ले लेते हैं, ये कलर ये ले लेते हैं। चलिए देखिए, इस पहले तार के कारण Q पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कैसे होगा, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी R1, और ये किसके बराबर हो गया R1 का मान 0.,  यहां से यहां तक की दूरी है 0.10 और 0.05 ही होगी, तो 0.15 मीटर R1 का मान ये आ गया। R2 का मान कितना आ जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र वही राइट हैंड थंब लो, धारा ऊपर जा रही है, यहां से चुंबकीय क्षेत्र भीतर जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र यहां पर क्रॉस बनेगा और यहां पर क्या बनेगा डॉट बनेगा, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो B1 ऐसे बनेगा, क्लियर होगी बात। अब दूसरे धारावाही चालक के कारण Q पर कैसे चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होगा उसे भी देख लेते हैं। आप जानते हो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, इस दूरी को मैं क्या कह रहा हूं R2, और R2 का मान किसके बराबर है 0.05 मीटर के बराबर है, Q बिंदु की बात कर रहा हूं मैं। और चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा B2 का मान यदि हम देखें तो यह धारावाही चालक है, यहां पर क्रॉस ही होगा और इधर की ओर क्या होगा कहीं पर डॉट होगा, इधर पर कहीं पर क्या होगा डॉट, यहां से चुंबकीय क्षेत्र भीतर जाएगा और यहां से बाहर आएगा, यह बात आपको समझनी है। तो अब क्यू पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि B1 और B2 दोनों देख रहे होंगे क्रॉस हैं, तो दोनों कहां जा रहे हैं, इसका मतलब पृष्ठ के भीतर जा रहे हैं, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इनके योग के बराबर होगा। तो निकालते हैं अलग अलग, हम लिखते हैं क्यू पर सबसे पहले निकालते हैं BA, फार्मूला वही μ0/2π I1/ क्या आ जाएगा R1 या IA/R1, ऐसी दूसरा BB बराबर μ0/2π ये हो जाएगा IB/R2, दोनों की दिशा क्या होगी पृष्ठ के लंबवत के लंबवत भीतर की ओर, भीतर की ओर, और इसमें भी क्या हो जाएगी पृष्ठ के लंबवत भीतर की ओर, भीतर की ओर, तो दोनों में दिशाएं समान है, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा क्यू बिंदु पर बराबर हो जाएगा BA + BB, दोनों के योग के बराबर होगा। वैल्यू पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा μ0/2π IA/R1 + μ0/2π
क्या आ जाएगा, आई बी बटे आर टू, दोनों में कॉमन, म्यू नॉट अपॉन टू ए कॉमन, क्या आ जाएगा आई ए अपॉन आर वन प्लस आई बी बटे आर टू, कितना आ गया। वैल्यू पुट कीजिए, म्यू नॉट अपॉन टू पाई की वैल्यू 2 × 10^7 माइनस 7, क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 × 10^7 माइनस 7, बी क्यू है, क्यू बिंदु पर यह आ गया। अब आई ए का मान, आई ए का मान आप जानते हैं, ए तार पर कितना तार धारा बह रही थी, ये बह रही थी 5 एम्पियर की, और जो दूरी थी यहां से यहां तक की वो थी 0.15, तो हो गया 5 बटे, क्या आ जाएगा 5 बटे 0.15, ये आ गया। प्लस आई टू कितना था, धारा I2 में 15 एम्पियर की धारा बह रही है और दूरी कितनी है 0.05, तो ये आ गया 15 बटे 0.05। इनको सॉल्व कर सकते हैं हम, तो कैसे करेंगे, देखिए दशमलव हटाया, यहाँ पर क्या कर दिया 100 आ गया, और यहाँ पर दशमलव हटाया तो यहाँ पर भी कितना आ गया 100 आ गया, तो 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 × 15, ये कट जाएगा 5 एकम 5, 5 × 15, तो कितना आ गया 2 × 10^7 माइनस 7, और ये कितना आ गया, ये आ गया 1/3 यानी कि 100/3, और ये कितना आ गया 100 × 3, ये आ गया 300 प्लस 300, और इसके बटे ले लेते हैं 1, बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो क्या आ जाएगा, बी क्यू बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी क्यू बराबर 2 × 10^7 माइनस 7, 2 × 10^7 माइनस 7, एल्शियम कितना आ गया 3 आ गया इसका, तो एल्शियम कितना आ गया 3 आ गया, तो आ गया 100 + 3 × 900, इतना आ गया, तो लिखेंगे 2 × 10^7 − 7 × 901 100 1000 बटे कितना आ गया 3, तो 1000 यानी कि 10^3, तो यह आ गया 2/3 × 10^7 − 7 + 3, तो यह गया 2/3 × 10^7 − 4, इतने टेस्ट आ गया। आप देखोगे जो मान आ रहा है ये लगभग इतना आ रहा है, 10^-5 आ रहा है, तो हम इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं, 10^-4 है तो हम क्या करते हैं 3 का भाग 2 में देंगे, तो 6.66 रिपीट होता जाएगा, तो 6.7 ले लेंगे, डेसिमल में आएगा 0.667 ऐसे ले लेंगे, क्योंकि 6 रिपीट होगा, गुणा 10^-4, एक डेसिमल इधर ले आइए तो 6.67, और तो घात एक बढ़ जाएगी, 10^-5 हो जाएगी, तो क्यू बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 6.67 × 10^-5 टेस्ला होगा, और दिशा भी समझ लीजिए क्या होगी, क्योंकि दोनों क्रॉस लग रहा है, ये भी क्रॉस है और ये वाला भी क्रॉस है, तो पृष्ठ के लंबवत भीतर की ओर होगा, क्या होगा पृष्ठ के लंबवत भीतर की ओर। तो हमने परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात कर ली। अब इसका अगला एक और पार्ट है, तार ए की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए, तो वो एम्पियर वाला नियम आ गया, ये धारा हो गई आई वन, ये धारा हो गई आई टू। सेकेंड पार्ट के लिए क्या कर देंगे, देखिए सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट है, इसके लिए आई वन बराबर 1 में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, आई टू में कितनी बह रही है 15 एम्पियर की धारा बह रही है, दोनों के बीच की दूरी कितना है 0.10 मीटर है, तो तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल F अपॉन L किसी भी तार में लगेगा वो समान ही होगा, आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले वाले तार पर दूसरे तार के द्वारा ज्यादा बल लगाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है, समान बल लगेगा, तो F अपॉन L का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये कंडीशन मैंने बता दी आपको कहां पर है, यहां पर देख सकते हैं, ये ए तार है, ये बी तार है, बीच की दूरी कितनी होगी 0.05 मीटर, और ये भी 0.05, दोनों को जोड़ देंगे तो 1.10 मीटर आएगी, जो इसने प्रश्न में दिया है कि ए तथा बी के बीच की दूरी इतनी है, एक में धारा 5 और दूसरे में 15, I1 I2 के मान भी पता चल गया। तो चलिए अब कैसे करेंगे, सूत्र लगाएं, F अपॉन L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2π I1 I2 बटे क्या आता है R, वैल्यू पुट करें 2 × 10^7 माइनस 7 आ गया,
आई वन का मान 5, आई टू का मान 15, बटे बीच की दूरी 0.10। तो यहाँ दशमलव हटाया, यहाँ पर 2 है तो क्या लिख लेंगे, 100 कर देंगे, 10 से काट देंगे, 10 × 100 तो क्या आ जाएगा, 15 × 5 = 75, 75 × 2 = 150, तो ये गया 150। और ये वाला जीरो और जुड़ जाएगा, गुणा 10^-7। देखिए 15 × 5 = 75, 75 × 2 = 150, और 10 और गुणा करेंगे तो 1500 आ जाएगा, एफ अपॉन एल इसके बराबर आ जाएगा। डेसिमल को स्टैंडर्ड मान में रखें, 1.5 करें इसे, तो हमने 1, 2, 3 स्थान दशमलव को इधर की ओर लाया, तो इसमें +3 कर देंगे, गुणा 10^-7 + 3, तो क्या आ गया, 1.5 × 10^-4, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। इस तरीके से इसे निकालेंगे, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही आ रहा है, 1.5 × 10^-4 न्यूटन प्रति मीटर। अब बल की दिशा क्या लगेगी, ध्यान दीजिए दोनों सामान्य दिशाओं में बह रहे हैं, तो इसका मतलब जो बल होगा वह आकर्षण बल लगेगा, तो इस तार पर जो बल लगेगा वह इस पृष्ठ के समांतर लगेगा, बी तार की ओर, इधर की ओर, और इस पर जो बल लगता है इस पृष्ठ के समांतर लग रहा है, इस पृष्ठ के तल पर ही लगेगा, इधर की ओर। तो लिख लेंगे दिशा, एफ अपॉन एल की जो दिशा होगी पृष्ठ के तल पर, पृष्ठ के तल में दूसरे तार की ओर, दूसरे तार की ओर क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों के बीच कैसा बल काम कर रहा है, आकर्षण बल काम कर रहा है दोनों के बीच। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस प्रश्न को हल करेंगे, आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1, 2, 3, 4 नेक्स्ट क्वेश्चन का, 1, 2, 3, 4। तो प्यारे बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करें और 11 तक करें, मुझे उम्मीद है आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे, यदि कोई डाउट होते हैं तो आप चैट में जरूर लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, इंपॉर्टेंट बात शेयर जरूर कीजिए, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।